नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो फाइनली आपने Realme 2 Pro की अनबॉक्सिंग तो देखे ली और एक क्विक ओवरव्यू। और यहां पर अगर हम बात करें तो Realme 2 Pro में एक नया अपडेट भी आ चुका है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट है यहां पे, और ये है RMX 1801EX11A.06। और ये डाउनलोड मैंने कर लिया। यहाँ पे लिखा है कुछ कंटेन्स सिस्टम सिक्योरिटी पैचेस, तो इसमें सिक्योरिटी पैच भी। अब सिक्योरिटी पैच कौन सा वो मुझे नहीं पता। फिर प्रॉम्प्ट इंस्टॉलेशन इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेशंस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिया। दिस वर्जन ऑप्टिमाइजेस कैमरा इफेक्ट्स एंड इट्स रिकमेंड फॉर ऑल यूजर्स। तो शायद यहाँ पर कैमरा में हमें कुछ नए चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि तो फिर मैं यहाँ पे पहले सेटिंग्स में चला जाता हूँ और अबाउट फोन में, तो पहली बार मैं यहाँ कुछ ओप्पो या वीवो के मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं पहले कि यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है यहाँ पे सितंबर 5, 2018 का। तो अभी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर जब मैं इसे अपडेट करता हूँ तो हमें यहाँ पर कौन सा सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। और एंड्रॉयड वर्जन भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन है 8.1.0। तो चलिए हम फटाफट इसे अभी अपडेट कर लें और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बदलती है। तो ये रहा अपडेट नाउ, और ये भी ये वेरीफाई होने के बाद फिर ये थोड़ा वक्त लगेगा और यहाँ पे फटाफट ये फिर अपडेट हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ Realme 2 Pro को। अभी भी मैं इसका रिव्यू देने के लिए थोड़ा सा और इस्तेमाल करूँगा इसे प्रॉपरली, उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा इसका। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है कि सिर्फ एक दिन में मैं जज नहीं कर सकता हूँ कि ये फ़ोन कैसा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए मुझे यूज़ टू होना पड़ेगा। तो इनफैक्ट मैं अभी भी ये कलर ओएस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये शायद मेरा दूसरा हैंडसेट है। ओप्पो का मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग किया था। ओप्पो और वीवो मुझे कभी पसंद नहीं थे, सच्ची बताऊँ, लेकिन रियलमी मार्केट में आते ही यहाँ पर रियलमी ने यहाँ पर कमाल के स्पेसिफिकेशंस के साथ, कमाल के प्राइसिंग पॉइंट पर जब इन्होंने फ़ोन लॉन्च करना शुरू किया, तो रियलमी 1 और रियलमी 2 मुझे कुछ खास नहीं लगा था। नो डाउट प्रोसेसर वाइज Realme 1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन Realme 2 Pro जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए और मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूँ। क्योंकि यहाँ पर MI का कुछ अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ MI की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन MI यहाँ पर मोनोपोली अपना कर रहा है कुछ चीज़ों पर। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, यह अभी सेल पर चल रहा है Realme 2 Pro कल से ही, इनफैक्ट परसों से ही, माफ़ कीजिएगा, रात को 11 बजे रात से ही। और मैंने कितनी बार इसके प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक होते हुए देखा और वो वापस से स्टॉक कर रहे थे। लेकिन वहीं Redmi Note 5 Pro जब आउट ऑफ स्टॉक होता था तो वो दोबारा फिर अगले सेल तक इंतज़ार करना होता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी। और इनफैक्ट अगर अभी मैं Realme 2 Pro और Redmi Note 5 Pro की बात करूँ तो Redmi Note 5 Pro बिक भी नहीं रहा है। जी हाँ, Redmi Note 5 Pro नहीं बिक रहा, वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है Flipkart पे। लेकिन Realme 2 Pro यहाँ कितनी बार आउट ऑफ स्टॉक करके उन्होंने स्टॉक को वापस लाया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि Realme 2 Pro कितना लोग अभी पसंद कर रहे हैं, और क्योंकि ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही बजट है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपको खरीदना है तो 13,990 वाला ही लें, दूसरा ना खरीदें। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और ये भी रिबूट हो रहा है हमारा डिवाइस Realme पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और तो मैं इसे अभी देखता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ, उसके बाद फिर आते हैं हम सेटिंग्स में जाते हैं और अबाउट फोन में जाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदला भी है या नहीं बदला है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे पहले मैं देख लूँ, एंड्रॉयड वर्जन तो वही 8.1.0 ही है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पर अभी भी सितंबर 5, 2018 का ही है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ अभी आपको और हमको यहाँ पे कैमरा में कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले होंगे और कुछ बाकी सारी चीज़ों में। तो वो तो अभी मैं आपको इस यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ, जब तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर लूँगा इसका मैं बाद से आपको एक अलग से वीडियो में ला दूंगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बदली है वो यहाँ देख ले आप। अपडेट लॉग में यहाँ पे दिया गया है क्लियरली कि ऑप्टिमाइज कैमरा इफेक्ट्स इन लोकल एंड थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स। तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ किया गया, ऑप्टिमाइजेशन रिजोल्यूशन रेशियो ऑफ कैमरा स्टिकर्स, फिर अपडेट ईमेल एड्रेस इन द सर्विस इन्फॉर्मेशन, चेंजेस ब्लॉक बैनर्स टू नो नोटिफिकेशन अलर्ट्स, एड्स ए कॉरेस्पॉन्डिंग आइकन ऑन स्टेटस बार, एड ए फंक्शन दैट एक्टिवेट्स गूगल असिस्टेंट बाय प्रेसिंग द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड्स। तो ये सारी चीज़ें ऐड की गई है और ये 0.5 सेकंड वाले गूगल असिस्टेंट आई थिंक पहले से ही यहाँ पे था, शायद काम नहीं करता होगा, तो अभी इन्होंने वापस से इसको दिया है, बग फिक्स किया है।
तो ये यहाँ पे रहा ये अपडेट कलर ओएस के लिए, और मेरा फ़ोन अभी रियल मी 2 प्रो यहाँ अपडेट हो चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और नहीं किया है तो फिर आपको थोड़ी देर में अपडेट आ ही जाएगा आजकल में, क्योंकि अभी ये कलर ओएस पुश कर रहा है रियल मी 2 प्रो के लिए, तो आपको भी मिल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दीजिए और बने रहिए गैजेट्स के साथ, और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।